दुकानदारों वालों लोगों की सेहत नाल खिलवाड़ किया जा रहा है। मामला श्री मुक्तसर साहब की मंडी बरीवाला का है, जिथे कुछ दुकानों उत्ते सेहत विभाग की टीम वालों छापेमारी की गई। इस रेड दौरान जोड़े हालात दुकाना के अंदर वेखन मिले वो देख के हर कोई दंग रह गया। गंदगी दे विच ही दुकानदारों वालों समान बनाया ते वेचिया जा रहा सी, ना ही दुकानदारों कोलों लाइसेंस सी, जिसके चलद सेहत विभाग की टीम वालों कई दुकानों नूं सील भी किया गया। जिन्हां दुकानों उत्ते छापेमारी हुई है उन्हां विच दो बैकरियां जबकि दो दुकानां नमकीन भंडार नाल संबंधित ने। इस दे नाल ही जदों दुकानदारों तों कोविड वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट मंगे गए तो उन्हां वल्लों कोविड वैक्सीनेशन भी नहीं लगवाए गए सन, जिस तों बाद सेहत विभाग की टीम वालों तुरंत एक्शन भी लिया गया। जानकारी दिंदिया फूड इंस्पैक्टर अभिनव गोसला ने दसिया कि दो केक और दो नमकीन के सैंपल ले गए हैं, दुकानदारों को लाइसेंस तक नहीं है। तो जेकर साफ सफाई की गल की जाए तो साफ सफाई का भी बहुत माड़ा हाल है, गंदगी दे विच ही बैकरी का काम किया जा रहा है तो ही समान लोगों को बेचा जा रहा है। अज बरी वाले चार सैंपल भरे गए ने, दो नमकीन है तो दो जी बेकरी शॉप्स है चैक की गई तो देखने जी गल नज़र आई है वह किसी भी दुकानदार को फूड सेफ्टी लाइसेंस नहीं सगा, जबकि असर बार बार हदायत दतिया भी आपका लाइसेंस बनाओ तो लीगली काम करो, और जो रंग वरतते पे ने वह भी चैक किए असी, ठीक है, बट सफाई ना होने करके जो माल सही बनता पाया वह भी खाने के योग सानू लगता नहीं है। तो कई थावे तो जाले टंगे हुए है, कई को लेबर है नहीं, कई तो मैडिकल सर्टिफिकेट नहीं बने हुए, सो बड़िया प्रॉब्लम इन्हों दियाँ शॉप्स के। उधर दूजे पासे थाना बरीवाला मुखी रविंदर कौर बराड़ ने दसिया कि सेहत विभाग ते पुलिस की इस ज्वाइंट छापेमारी दौरान दुकानदारों वालों कोविड वैक्सीन लगवाए जाने संबंधी सर्टिफिकेट दिखाए नहीं गए, फिलहाल कार्रवाई जारी है। अज सेहत विभाग की मदद नाल जो हैगा एक कंबाइन ऑपरेशन किया गया सी, जिस विच असी चार दुकानों की सैंपलिंग करवाई गई है, जिस विच दो बेकरियां की सैंपलिंग हुई है ते दो बीक दे हैगे जिहड़े सैंपल लए गए जी। लाइसेंस वगैरह भी इन्हां दे चैक कीते गए? डेफिनेटली फूड इंस्पैक्टर वालों जिहड़े हैगे मौके ते इन्हां दे लाइसेंस वगैरह चैक कीते गए, इस तों इलावा सफाई वगैरह चैक की गई है, ते इन्हां तों इलावा जो उन्होंने फूड यूज़ करते मटीरियल यूज़ करते उन्होंने उन्होंने सैंपलिंग वगैरह उन्होंने प्रॉपर कलैक्ट की गई है जी। कोरोना के निजमों को लैके भी इन्होंने जो वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट वगैरह दिखाए गए हैं, लाइसेंस दिखाए गए हैं? नहीं जी, फिलहाल तो सानू उत्थे फूड इंस्पैक्टर की प्रेजेंट में सानू कुछ भी एवं सबमिट नहीं किया गया। इन कोरोना की वैक्सीनेशन इन्हों की हुई है या नहीं हुई इस बारे अजे वेरीफाई करना पेंडिंग है जी। कोई विभाग वालों कार्रवाई की जाएगी? नहीं, ये फूड इंस्पैक्टर वालों जो हैगा रिपोर्ट सबमिट होने तो बाद जी है अगली कार्रवाई जी अमल में लियानी जाऊगी। लगातार अजिहे मामले सामने आ रहे हैं जिथे लोगों की जिंदगी दे नाल खिलवाड़ किया जा रहा है, गंदगी दे विच ही चीज़ां बनाइया जा रही ने ते उन्हानू लोगों दे विच वेचा जा रहा है, जिस करके लोगों की जिंदगी दे नाल खिलवाड़ इन्हां दुकानदारों वालों किया जा रहा है, जिसनू ध्यान में रखदे सेहत विभाग की टीम वालों छापेमारी लगातार जारी है। श्री मुक्तसर साहिब तो तसीम टुडी रिपोर्ट, फैक्ट न्यूज़। हक ते सच दी खबर ले लाइक ते सब्सक्राइब करो पंजाब दा नंबर 1 डिजिटल न्यूज़ चैनल द फैक्ट न्यूज़।